सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने, ध्यान समझिएगा। देखिए आज जो करने जा रहे हैं हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और ग्रुप डी के एग्जाम में तो जरूर आएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसे करके जाएं। देखिए, ए इज 60% मोर इफिशियंट देन बी, ए फिनिश अ वर्क इन 80 डेज अलोन, देन हाउ मेनी डेज वी कैन फिनिश द सेम वर्क। कह रहा है ए और बी, ए जो है वो बी से 60% अधिक क्षमता का है, हम करता है ज्यादा। तो यदि ए किसी कार्य को 80 दिन में खत्म करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ए एंड बी, ठीक है। देखो जरा सिंपल सा लॉजिक है भाई, ए बी से कितना ज्यादा है, तो अगर यू 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 ज्यादा, मतलब 60% निकाल लो और 60 जोड़ दो, समझ गए। 100 का 60% 60 रुपए, और इससे ज्यादा तो 100 में 60 जोड़ोगे तो 60 आएगा, इसका मतलब ये है। हाँ, परसेंटेज का मतलब, ठीक है। मोर का मतलब यही होता है, यहाँ पे जो ये मोर है इसका मतलब यही है, इसका 60% निकालोगे 60 रुपए, और इससे 60 ज्यादा तो 60 नहीं, ये समझ में नहीं आता ना कई बच्चों को, ठीक है। बस अब करना क्या है, कहानी खत्म है यार। ये जाएगा 8 5, रेशो आ गया, तो क्या दिक्कत है, तो रेशो में तो है भाई। अरे भाई रेशो में है, मान लो ऐसे है तो ऐसे 1/2 लिख दो, बात तो एक ही है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना, उससे भी आंसर आ जाएगा मगर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। बस चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए जरा, ये इफिशेंसी हो गई बच्चा, क्या कह रहा भैया, ए फिनिश अ वर्क इन 80 दिन में, तो ए की इफिशेंसी कितनी है, तो टोटल वर्क कितना होगा, 80 × 8 = 13। क्यों, सिर्फ एक ही तो दे रखा है, उसने टोटल कहाँ बोला है, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में टोटल था, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो। अब बी का देखो इफिशियंसी कितनी है, तो उसे डिवाइड मार दो, डे दे जाएगा, 5 × 5 = 5 × 30 = 128 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो डिवाइड क्यों करा भाई, ये टोटल वर्क आ गया, तो उस टोटल वर्क को बी कर रहा है कितने समय में, और उसकी एफिशिएंसी पता है, ये 5 पेंसिल बना रहा है एक दिन में। डेज निकालने के लिए डिवाइड तो करते हैं, टोटल वर्क पहले, टोटल वर्क निकालो पहले, हमें ये पता लगे काम कितना करना है, काम कितना कराएगा बंदा, उसके बाद तो आगे बढ़ेगी बात, समझ गया ना, ये है मुद्दे की बात, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट। देखो बेटा जो नेक्स्ट टाइप है वो इम्पोर्टेंट टाइप है, और ना मतलब एक अलग ही टाइप है ये, ठीक इसका, और इसमें ना साइकिल चलानी है आपको, हाँ बाइक चलानी है, साइकिल चलानी है, साइकिल कैसे चलानी है अभी चलवाते हैं साइकिल, ठीक है। साइकिल चलानी आती है, नहीं आती, चलो आप चलवा देंगे, देखो जरा दूसरे का सर कैसे करेंगे। ए बी कैन डू अ वर्क इन 15, इसकी हिंदी नहीं लिखी बेटा, स्पेस ना होने की वजह से हिंदी समझा देता हूँ। ए कैन, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 और 20 दिन, ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में करता है, दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर 1 by 1, दोनों एक के बाद एक करते हैं काम, एक साथ नहीं करते, ध्यान रखना ये मुद्दे की बात है। मतलब कि पहला बंदा आएगा काम करेगा, अगले दिन जो है वो उसकी छुट्टी, फिर दूसरा आएगा। जैसे आप लोगों की क्लास होती थी ना 11th 12th में, TTS MWF है ना भाई, ऐसी तो होती थी क्लास। अगर मान लो आप इको पढ़ रहे हैं तो TTS MWF में पढ़ते थे, तो वही कहानी है, एक दिन 11th वाले बच्चे, एक दिन 12th वाले बच्चे, तो ऐसी कहानी होती है। तो यहाँ पर वही है कि एक दिन एक बंदा आएगा, मतलब 15 दिन ड्यूटी करेगा वो एक बंदा, और दूसरा बंदा 15 दिन ड्यूटी करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाता है, इफिशेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। अरे एक बंदे पे करते रहो तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर 1 by 1, दोनों क्या करते हैं, एक से एक के साथ एक वर्क करते हैं। इफ द वर्क स्टार्टेड बाय ए, ए ने काम को शुरू किया, फाइंड द वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ए और बी, पहले तो हम टोटल वर्क निकालें, 15 और क्या करें 15 चौके, ठीक है। यहाँ तक कहानी सीखे, टोटल वर्क हमारे पास पता लग गया, ये मैंने आपको बताया था। इनिशियल वाली वीडियो देखोगे तो छब समझ में आ जाएगा, ये टोटल वर्क होता है जो एलसीएम लेते हैं, जो भी हम ऐसा नंबर रखते हैं जो दोनों को डिवाइड करते, जरूरी नहीं कि एलसीएम ही लो, ठीक है। और ये क्या है आपका, वन डे वर्क, ये एनालाइज से आएगा, जरूरी नहीं कि एलसीएम ही लेना, आपकी इच्छा है आप यहाँ पे 120 रखें 180 रखें, आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा, वही आंसर आएगा जो इससे आ रहा है, मर्जी है आपकी, ठीक है। अब देखो जरा
टोटल वर्क हमारे पास आ चुका है 60 है। अब पहले निकाल लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। देखो भाई, ए भाई साहब जो है पहले दिन में 4 पेंसिल बनाते हैं, ऐसे कर लो। बी भाई साहब जो है पहले दिन में 3 पेंसिल बनाते हैं। कितने दिन लगा दिए इन लोगों ने भाई? पहले दिन आया 4 पेंसिल बनाया छुट्टी, अगले दिन बी आया 3 पेंसिल बनाया छुट्टी, फिर अगले दिन ए आया, फिर अगले दिन बी आया, फिर अगले दिन, ऐसी कहानी चलती रहेगी। तो 2 दिन में कितनी पेंसिल बन गई बेटा? तो इसको ऐसे कब तक करेंगे मैम? साइकिल चला दो, साइकिल मतलब वही पीरियड रिपीटेशन। तो एक काम करते हैं, इसके नियरेस्ट लेते हैं 8 7, आपका हो गया 8 ही क्यों लिया आपने, पागल बना रहे हमारा भाई, 8 इसलिए लिया, अगर हम 9 लेंगे तो 9 7 63 पार पहुंच जाएगी गाड़ी, 9 6 63 आ जाएगा। देखो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ उसे क्या आ गया 63, बनानी तो हमें 60 ही है, तुम ज़्यादा कैसे बनवा सकते हो, जबरदस्ती कोई है, समझ गए भाई? जितने जितने हमें ऑर्डर मिला उतना तो काम करोगे, ज़्यादा करोगे तो पैसा कोई मिलेगा उसका, ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, तो यहाँ से इसे माइनस कर दो, कितना हो गया 4 बचा। अब ये साइकिल कितनी बार चली, और 8 बार का मतलब एक साइकिल में कितने दिन, एक साइकिल में 2 दिन, तो 8 साइकिल में मतलब 16 बार ऐसी कंडीशन बनेगी, ए आएगा बी करेगा, ए आएगा बी करेगा, ए आएगा बी करेगा, ए आएगा बी करेगा, ए आएगा बी, ऐसे 16 बार होगा, 16 दिन तक चलेगा ऐसा कार्यक्रम, इस समझ में आगे बात है? हाँ, उसके बाद या तो आप ऐसे करके देख लो या ऐसे कर लो कंसेप्ट से। उसके बाद अब टर्न किसकी आ गई, अब टर्न किसकी आ गई, एक ही, एक एक दिन में कितनी बना रहा, 4, और 4 ही बनानी है, तो कितना हो गया एक, तो टोटल डेज हमारे कितने हो गए 16 प्लस 1 कितना आ गया आंसर, ठीक है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ, चीज़ समझ में आ गई होंगी, बोलो, छापो छापो छापो, नहीं नहीं टोटल कह रहा है ए सॉरी टोटल वर्क दोनों मिलके, बी का नहीं, दोनों मिलके काम किया है 17 दिन में, दोनों ने मिलके काम किया 17 दिन में, मिलके का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में दोनों लग गए एक साथ, ए बी, ए बी ऐसे करके साइकिल चल रही है, बोला ना मैंने पहले ए ने काम किया छुट्टी, अगले दिन की बी आ गया, उसके पेट में दर्द हो गया, फिर ए आ गया उसके, ऐसे करके हमने ऐसे कार्य बांट रखा है। तो 2 दिन में 7 पेंसिल बनाएंगे वो, ठीक है, तो फिर 4 दिन में कितनी 14 हो जाएगी, 6 दिन में कितनी 28 21 ऐसे करते रहो, 7 7 ऐड करते रहो, ऐसे 16 दिन में 56 बना देंगे वो, ठीक है, बचेगी 4 उसकी कहानी आ जाएगी, ठीक, समझ में आ गया सिंधा जी? हाँ, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या, तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट जरूर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं बेटा, प्लीज़ आप लोग इसे करके जाएं।